हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल बी एल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय एक्स्ट्रा पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। ये पार्ट 4 है और गाइस, ये स्टोरी एक अडल्ट फैन फिक्शन बेस्ड स्टोरी लाइन थी, तो अगर जिसे अडल्ट स्मार्ट चीज़ें सुननी पसंद है वो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि आपको किसी भी फर्दर एम्बैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े। तो आज के चैप्टर को हम शुरू करते हैं। और गाइस, इसको शेयर करने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि मेरा काम चोरी हो जाता था, तो इससे पहले कोई शेमलेस पर्सन मेरा काम चुरा ले और कोई क्रेडिट भी ना दे, तो उससे अच्छा मैं चाहती हूँ कि मैं इसे खुद ही शेयर कर दूँ अपने चैनल पर। तो बस मेरा यही रीज़न था और कुछ नहीं था। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि मैंने लव अफेयर्स को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया है। तो गाइज, अगर आपके रिस्पॉन्स बहुत फीके आएंगे ना, तो फिर मुझे स्टोरी चाहे कितनी अच्छी हो मुझे उसे जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड देंगे और एक अच्छा हेल्दी रिस्पॉन्ड देंगे, तो फिर स्टोरी को कंटिन्यू करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर आपके फीके से रिस्पॉन्ड आते हैं, तो फिर मेरा मन भी स्टोरी को चलाने का नहीं करता है। तो चलिए आज की स्टोरी को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। विभूषण जो था वो अब लवांगची की बहुत अच्छे से केयर करने लग गया था, स्पेशली उनके हॉट सेक्स सेशन के बाद। यूजुअली वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करते थे ट्वाइस इन अ वीक, यानी कि हफ्ते में दो बार। रंजा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था बींग के साथ टाइम स्पेंड करना, सेक्सुअल एक्टिविटी को एंजॉय करना। इवन वो दोनों के दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते जा रहे थे। विभूषण रंजा की बहुत अच्छे से देख रेख करता था, स्पेशली क्लासेस में स्वॉर्डमैनशिप यानी कि तलवारबाजी के टाइम। इवन जब वो जिंक्षी से बाहर और अंदर होते थे, हर टाइम वो लोग एक दूसरे को किस ही करते रहते थे। लंजा लाइब्रेरी पवेलियन में भी, यहाँ तक कि विंग को किस कर रहा होता है, दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करना, एक दूसरे को बहुत स्टिमुलेट वाले टच करना। और क्लाउड रिसोर्स के माउंटेन एरिया में वो अक्सर एक दूसरे के साथ एक अच्छा हेल्दी टाइम बिताया करते थे, जहाँ पे वो एक दूसरे को हैंड सर्विस भी दिया करते थे, क्योंकि विभूषण जो था वो लवांगजी का बेस्ट फ्रेंड था। और उसे लवांगजी को टीज करना, लवांगजी के साथ फोरप्ले करना, रोमांस करना, वो भी उसके माउंटेन्स में जाकर काफ़ी ज़्यादा पसंद था। कभी कभी तो लैन शिचेन को भी डाउट होता था कि इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि हमारा वांगशन देव थे ना, वो अब बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए थे। इवन वो इग्नोर करते थे सारी चीज़ों को, और यहाँ पर लैन शिचेन भी इन लव वर्ड्स को इग्नोर करने लगे थे कि आखिर कुछ तो हो रहा है, क्योंकि लंजा बहुत ज़्यादा बोल्ड चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं। और विंग अब लंजा के पीछे ऐसे ही भागता रहता है, उसे प्रोटेक्ट करता रहता है, हर जगह उसके पीछे जाता है। इवन वो एक बार लवंच के बालों को बहुत प्यार से कॉम करता है, यानी कि कंघी करता है। वो लोग माउंटेन एरिया में थे, यहाँ पर लवांगजी जो था वो अपने बालों पे बहुत खूबसूरत से, बहुत सुगंधित से फ्लावर्स भी लगाता है, ताकि उसके बाल जो थे, उसकी जो चोटी उसने गूंथी थी वो बहुत सुंदर लगे। लवांगजी ब्यूटीफुल एंजल की तरह लग रहा था, जैसे मानो कोई परी, एक सुंदर सी परी आसमानों से उतर के आई हो। लवांगजी बहुत ही ब्यूटीफुल था, और वो अपने अब लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगा था। वो यहाँ पर बहुत सारे तरीके के मिस्ट यानी कि बॉडी पे लगाने वाले इत्र को यूज़ किया करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग को कभी भी उसके पास से कोई स्मेल आए या कुछ ऐसी चीज़ वो करे जिससे विंग को ना पसंद हो। इवन वो हमेशा अपने आप को, अपनी बॉडी को सुगंधित रखता था, अपने पास से एक एक्स्ट्रा हैंकी रखा करता था अपने हानफू के अंदर छुपा कर, कि अगर उन्हें कहीं बाहर रोमांस करना भी पड़े तो एटलीस्ट वो खुद को ढंग से क्लीन कर सके। और यहाँ पर विंग जो था वो उसे लवांगजी को टीज करना, उसके साथ फोरप्ले करना, उसके साथ किस करना, उसके साथ बहुत सारी ऐसी ऐसी एरोटिक हरकतें करना बहुत ज़्यादा पसंद था, जहाँ पर लंचा हफ्ते हफ्ते बस उससे मर्जी के लिए बोले। हालांकि वो चीज़ें म्यूचुअल होती थी, कभी भी उसने लंजा को फोर्सफुली किसी भी चीज़ के लिए नहीं कहा, चाहे वो फोरप्ले ही क्यों ना हो। लवांगजी अब बहुत ज़्यादा एकदम एंजल की तरह ब्यूटीफुल लगने लगा था। विभूषण यहाँ उसके किस करता रहता है, उसके लिप्स को जो कि बिल्कुल गुलाब की पंखड़ियों जैसे सुनहरे, बहुत ही सुंदर, गुलाबी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। लवांगजी की जो यहाँ पर ब्रीथ थी वो भी विभूषण को बहुत अट्रैक्ट करने लगी थी। यहाँ पर चाहे वो बाहर हो या अंदर हो, लवांगजी को देखकर उसे अक्सर रोमांटिक फील आती थी। यहाँ तक कि वो आज दिन तक उन्होंने जिंक्षी से बाहर कभी सेक्स को ट्राई नहीं किया था, लेकिन विभूषण कभी हेजिटेट भी नहीं करता। वो लवांगजी को अक्सर बाहर स्टिमुलेट करके उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया करता था। और लंजा जो है वो पावर्ड विंग के साथ बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, यहाँ तक कि विभूषण जो है वो लंजा को इस बार
वो बैक ऑफ द माउंटेन ले जाता है। इस बार वो कुछ BDSM ट्राई करने की सोचते हैं। यहाँ पर वो लवांग जी को कन्विंस भी कर लेता है और दोनों पहली बार लवांग जी विंग के साथ ओरल सेक्स ट्राई करता है, और जो विंग था वो लवांग जी के साथ मर्सीलेसली उसे इतना ज़्यादा टीज करता है, इतना ज़्यादा टीज करता है, और एट द एंड जो होना था वही होता है। लवांग जी और वो बैक ऑफ द माउंटेन जाके सेक्स कर ही लेते हैं। विंग ने आज दिन तक एक बार भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था और ना ही वो ये चीज़ें यूज़ करना चाहता था। लवांग जी जिसे अब विंग के साथ ये सारी चीज़ें बहुत कंफर्टेबल लगने लगी थी, दोनों में से कोई भी अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचता था। उन्हें लगता था लवांग जी को तो कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो विंग उसे कभी डिनाई नहीं करेगा। और यहाँ विंग जो कि लवांग जी को मन ही मन अपना मान चुका था, बस उसे जेलसी होती थी जब भी वांगजी को कोई देखता था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वांगजी उसका बॉटम है और एक टॉप को इतनी ज़्यादा जेलसी होती है ना जब उसके पार्टनर को कोई देखता है। तो सेम वांगजी के साथ था, पहले वांगजी बहुत ज़्यादा जेलस हुआ करता था, लेकिन अब विंग एज अ टॉप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो गया था। अपनी क्यूट ब्यूटीफुल इनोसेंट लवांगजी को अगर कोई घूर के भी देख ले तो विंग उसकी वहीं आँखें फोड़ दे, इतना ज़्यादा हमारा विंग पजेसिव हो गया था। विंग अब कुछ एक्साइटेड करना चाहता था लवांग जी। वो दोनों आज कोल्ड पोन के पास सेक्स ट्राई करना चाहते थे। विंग लंजा को कुछ भी नहीं बताता कि उसकी नई सेक्सुअल फैंटेसीज क्या है। विविजियन कहता है, लंजा मुझे आज तुम्हारे साथ कोल्ड पोन में बात लेना है, क्या हम दोनों एक साथ जा सकते हैं? मुझे आज बहुत लो फील हो रहा है, मेरी जो एनर्जी है ना वो एग्जॉस्ट हो गई है, प्लीज़ मुझे दोबारा से अपनी बॉडी में एनर्जी फील करनी है। लवांग जी अपना सिर हिला देता है और मना कर देता है कि क्या होगा अगर कोई देख ले तो हमें, नहीं मैं नहीं चाहता कि लोग पाक हमें देखें, स्पेशली अंकल या ब्रदर, वो तो हमें मार ही देंगे। विंग कहता है, नॉटी लंजा, मैंने तो बस नहाने के लिए कहा, तुम ना पवर्ट लैन हो, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या चाहते हो कि वहाँ तुम मुझे मेरे साथ वो सब करो, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। मैंने कहा ना मैं वहाँ पर उस सब के लिए नहीं जा रहा, मुझे बस तुम्हारे साथ बात लेना है। लंजा के अब चीक्स रेड हो रहे थे, उसे शर्म आ रही थी, और वो कहता है, विंग तुम एकदम डॉगी हो। विंग यहाँ पर लंजा के एक चेस्ट को प्रेस कर देता है, स्क्वीज कर देता है, और यहाँ पर उसके प्राइवेट पार्ट को उसके कपड़ों पे से ही रब करने लगता है। यहाँ पर वांगजी का टेम्पटेशन अब और भी बढ़ गया था। विंग जो कि उसे बुली किया करता था जिंक्शी के अंदर, कभी भी कहीं भी टच करके उसे स्टिमुलेट कर देता था। उसके बेस्ट फ्रेंड को उसकी बॉडी को छूने का पूरा अधिकार था। लंजा और अभी भी थका हुआ था क्योंकि वो लोग कुछ देर पहले ही सेक्स करके हटे थे, और अभी भी विंग ने लवांग जी की बॉडी को अच्छे से क्लीन नहीं किया था। विभूषण यहाँ पर उसे किस करता है और कहता है, आई एम योर डॉग और तुम मेरे लिए हॉर्नी हो और तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, चाहे मैं तुम्हारा कैसे भी यूज़ करूँ, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, समझे, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, चाहे हम दोनों ना जाने कितनी बार इंटीमेट हों, एक दूसरे को टेस्ट करें, एक दूसरे के साथ रोमांस करें, बट यू बिलोंग्स टू मी लंजा एंड आई बिलोंग्स टू यू। उसके बाद जो भी होता है वो दोनों अच्छे से जानते हैं। लवांग जी जो कि ये सारी बातें सुन रहा था, अब यहाँ पर उसे स्टिमुलेशन फील हो रही थी क्योंकि अभी तक उन्होंने एक दूसरे को पिछले सेक्स राउंड के दौरान क्लीन नहीं किया था। यहाँ पर विंग अभी भी उसकी बॉडी को टच कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लंजा की बॉडी में फील हो रही थी। लंजा को तो ऐसा लग रहा था जैसे अगर विंग ऐसे ही उसे स्टिमुलेट करता रहा तो वह विंग की बाहों में गिर ही जाएगा, और यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि इस बार सच में उसे ऑर्गेज्म फील होगा। बट यहाँ पर विंग उसे बीच में ही छोड़ देता है, वो उसे प्रिंसेस स्टाइल में उठाता है और कोल्ड पोन की तरफ बढ़ जाता है। उसने लंजा ने अभी भी कंधे से कपड़े ही पहने हुए थे, उसने अभी चेंज नहीं किए थे, क्लीन कपड़े नहीं पहने थे, वो कोल्ड पोन की तरफ जाने लगते हैं लेंस एक्ट के। यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे थे, घूर घूर के भी विभूषण ने लवांग जी को कैरी किया हुआ था, लेकिन अब उन्हें एक जैसी आदत सी हो गई थी क्योंकि जब भी विभूषण रोमांटिकली विंग यहाँ पर लंजा के साथ सेक्स करता था तो अगले दिन लवांग जी चल नहीं पाता था, तो विंग अक्सर उसे अपनी गोद में लेके घूमता रहता था। तो यहाँ पर सबको 2 मिनट के लिए अचंभा तो होता था, फिर वो सोचते थे ये तो पागल से दोस्त हैं, ये तो जब देखो ऐसे ही घूमते रहते हैं। यहाँ पर लवांग जी का जो सिर था ना वो विभूषण की चेस्ट पे रेस्ट कर रहा था और उसकी आई जो थी वो बंद थी, क्योंकि वो जानता था कि
अगर उसने खुद पे कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ पर उसके ये जो शर्मीले चीक्स हैं, उसकी फ्रजाइल बॉडी और जिस तरह से वो ल्यूड सिचुएशन में है, लिटरली सबको पता चल जाएगा उनके बीच क्या चल रहा है। वी हुसैन लवांगची को यहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान पिला के रख देता है और वहाँ पर एक बैरियर लगा देता है ताकि कोई भी गोल्ड पॉन के पास ना आ सके, कोई भी अंदर ना आ सके। वी हुसैन जो था वो लंजा को वहाँ छोड़ ही देता है उस स्टोन पे और फिर वो वापस से जिंगशी आ जाता है। उसे यहाँ पर लंजा और अपने लिए न्यू पेयर ऑफ क्लोथ्स लेने थे। लवांगची जो कि जिसकी अभी भी कपड़े गीले थे क्योंकि अभी भी उन दोनों के अंदर से एक दूसरे के साथ हुए हुए पिछले रोमांस की खुशबू आ रही थी, तो यहाँ पर वो दोनों के लिए नए कपड़े, नए जोड़ी कपड़े लेके जाता है और फिर से उस बैरियर में एंटर कर जाता है जो उसने गोल्ड पॉन में लगाया हुआ था। इवन वो उस पर एक म्यूट स्पेल भी लगा देता है बैरियर के चारों ओर कि अगर उनके बीच में पावर्डनेस हो तो कोई भी उसे सुन ना पाए। लवांगची जो कि एग्जॉस्ट था वो बिग स्टोन पे अभी भी लेटा हुआ था और सडनली कोई उसकी वेस्ट को फटाफट पकड़ के उसकी पैंट्स को अंडन करने लगता है। लवांगची यहाँ पैनिक हो जाता है लेकिन कुछ ही सेकंड में कोई इंसान पीछे से उसके पैरों को खोल देता है। तब लवांगची को समझ आ गया था कि ये आखिर कौन है जिसने उसके साथ ये पावर्ड हरकत की है। यहाँ पर विंग और वो एक टॉय को एंजॉय करने लगते हैं। लवांगची यहाँ पर समझ गया था कि विंग एक पावर्ड तरीका इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर ये पर्सन जो लवांगची को अभी भी एक चीज़ से स्टिमुलेट कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि विंग था। यहाँ पर लवांगची के मुंह से मोयन आने लगता है और विंग यहाँ पर उस चीज़ पे एक तालिस्मान लगा देता है जिससे लवांगची को और भी ज़्यादा प्लेजर फील होता है। दोनों वैसे ही कंडीशन में एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं और यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कुछ पावर्ड हरकतें करने लगते हैं। उसके बाद विंग को तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और वो लवांगची को थोड़ी ही देर बाद जब लवांगची बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है उसे अपने साथ गोल्ड पॉन्ड में ले जाता है। गोल्ड पॉन्ड में जाने के बाद वो वहाँ पर भी लवांगची को अपने ऊपर बैठा लेता है और यहाँ पर लवांगची और उसका चेहरा आमने सामने था तो उन्हें एक दूसरे को किस करते हैं और विंग फिर से लवांगची को अपनी गोद में बैठाकर दोनों ही नेकेड थे और इस कंडीशन में भी वो लवांगची के साथ बहुत ब्रूटल तरीके से रोमांस करने लगता है, सेक्स करने लगता है। दोनों पागल ही हो गए थे मानो उन्हें मैग्नेटिक एक अटैचमेंट फील होता था, एक ऐसा अटैचमेंट जो कि उनको उनकी डिज़ायर्स को एक दूसरे के साथ बांध देता था। एक मैग्नेटिक डिज़ायर, एक चुंबकीय आकर्षण जो कि एक दूसरे को एक दूसरे के साथ इस तरह से खींचता था कि वो दोनों भूल ही जाते थे कि दुनिया में आगे पीछे कोई है जो उन्हें देख सकता है, उनकी चीज़ों को नोटिस कर सकता है। जो अट्रैक्शन था उन लोगों के बीच में वो बहुत ही डिफरेंट किस्म का था। शायद वो दोनों जब अपने में खोए होते थे उन्हें दीन दुनिया का कोई ख्याल ही नहीं होता था, उन्हें पता ही नहीं होता था कि उनके आसपास कोई है या कोई नहीं है, उन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दोनों शेमलेसली ब्रूटली और एक दूसरे को टीज़ करते करते रोमांस करते हैं, इतना ज़्यादा रोमांस करते हैं कि यहाँ पर लवांगची को विंग के साथ इतना कम्फर्ट फील हो रहा था कि वो आँख बंद करके भी उस पर विश्वास करने लगता है। दोनों के बीच में पागलों की तरह प्यार होने लगा था और यहाँ पर लवांगची विंग के साथ पूरी तरह से सेक्सुअली सेटिस्फाइड था। इवन वो दोनों अपनी पावर्ड हरकतें आज भी करते थे, वो इतने ज़्यादा पावर्ड हो गए थे एडल्टहुड में कि उन्हें ऐसा लगता था कि जब अगर कभी उसके ब्रदर या अंकल को पता चला तो वहाँ पर मानो एक बुरान सा आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और लैन चिनचिन जो थी वो लैन चेरन के साथ रोमांस कर रही थी दोनों के दोनों। यहाँ पर लैन चिनचिन का मैंने गाइस आप लोगों को बताया था कि वो जो हमारा लवांगची था उसकी केयर टेकर होती हैं और वो भी एक गेयर होती हैं। वो हमारे लैन चेरन के साथ अपने आप को हीट आने पे संतुष्ट करती थी। कभी भी लैन चिनचिन और लैन चेरन कभी शादी नहीं करते क्योंकि उनकी अपनी वजह थी। लैन चेरन अपने नेफ्यूज़ के लिए शादी नहीं करना चाहता था और लैन चिनचिन जो थी वो इसलिए शादी नहीं करती क्योंकि उनका हस्बैंड मर गया था और वो अपने हस्बैंड की किसी को भी जगह नहीं देना चाहती थी। लेकिन हर इंसान की एक बॉडी नीड होती है,
उनकी भी एज अ गेयर उनकी भी हीट आती थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी और किसी और के साथ अपना वक्त बिताने से अच्छा वो चरण के साथ अपना वक्त बिता देती थी, क्योंकि चरण एक भरोसेमंद इंसान थे जो उनके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं करते, उनकी इज्जत को नहीं उछालते। यहाँ पर निफ्यूज़ को पता था लैन चिरन के कि लैन शिचन और लवांगची को कि लैन चिंचन और जो उनके अंकल हैं वो अपनी हीट को अच्छे से बिताते हैं साथ में, क्योंकि लैन चिरन की भी अपनी रट थी, वो एक एक टॉप थे और उनकी अपनी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, हर इंसान अपनी दिली इच्छा को नहीं मार सकता। और जब बात हो बॉडी सेटिस्फेक्शन की तो अगर आप अपने बॉडी सेटिस्फेक्शन पे रोक लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके माइंड को इफ़ेक्ट करती है। लैन चिरन के साथ भी ऐसा था, वो लैन चिंचन के साथ अपनी हीट और रट को वो लोग आपस में बिताते थे, क्योंकि लैन चिरन ने उनके मरे हुए पति से वादा किया था कि उनके जाने के बाद लैन चिरन उनकी वाइफ का हमेशा ख्याल रखेंगे, चाहे वो हीट पर्पस हो या हर चीज़, वो उनकी वाइफ को कभी भी किसी चीज़ की कमी फील नहीं होने देते और उतनी ही रिस्पेक्ट उनकी वाइफ की जाएगी जैसे कि लैन चिंचन के हस्बैंड उनकी रिस्पेक्ट करते थे। वो एक विडो थी। यहाँ पर जब उन दोनों के बीच हॉट सेशन हो रहा होता है तो लैन चिंचन कहती है, चिरन देखो ना ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो मेस क्रिएट कर दिया। लैन चिरन यहाँ पर उन्हें कहते हैं कि मैंने देखो तुम्हारे पति को कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, स्पेशली जब तुम हीट में होगी, और तुम्हें पता है ना जब एक मैन का वीर्य एक गेयर को लगता है तो वो और भी ज़्यादा ग्लो करने लगता है, और मुझे लगता है कि तुम इस ओल्ड एज में भी इसलिए इतनी सुंदर लग रही हो, देखो मैंने तुम्हारी स्किन को कितना ग्लोइंग कर दिया। चिंचन को बहुत ज़्यादा शर्म आती हैं क्योंकि लैन चिंचन जो थी वो अब इन सब चीज़ों की आदि नहीं थी। वो कहती हैं, चरण तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि वांगजी अब एडल्ट हो रहा है, तुम्हें उसे भी विजन के साथ रहने में मना करना चाहिए। वो एक बेडरूम शेयर करते हैं और अब व्यूजन भी ग्रोन अप मैन बन गया है। लैन चिरन स्माइल करते हैं और कहते हैं, वो अभी भी चिनर बच्चे हैं, मेरा वांगजी तो बहुत ही बुद्धू है, और डोंट वरी अगर उनके बीच कुछ होता भी है ना तो मैं व्यूजन को ऑर्डर करूँगा कि वो मेरे ओवर पोजेसिव निफ्यू से शादी कर ले, क्योंकि मैं जानता हूँ लवांगजी उससे बहुत प्यार करता है। लैन चिंचन कहती हैं, चरण मैंने सुना है कि वांगजी कभी कभी रात में मयन कर रहा होता है, मुझे लगता है वो लोग अपनी अपने रूम के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। लैन चिरन जोर से हंसते हुए कहते हैं, चिनर वो बड़े हो गए हैं और अगर विभूषण ने मेरे नेफ्यू की वर्जिनिटी ली है तो उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी, और देखो ना वो दोनों कितने इनोसेंट लगता है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी सेक्स भी किया होगा। लैन चिंचन हंसती हैं और कहती हैं, हाँ चिरन वो बच्चे नहीं रहे, इवन तुम्हें लगता नहीं कि शिचन भी ग्रोन अप हो चुका है। लैन चिरन कहते हैं, तो तुम क्या चाहते हो चिरन कि सारे बड़े हो गए हैं, देखो अगर वो किसी को पसंद करेंगे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनकी चॉइस से, मैं वांगजी को जानता हूँ कि वो वी विजन को पसंद करता है और चिरन भी जिसे चाहे पसंद कर सकता है। यहाँ पर ये दोनों ही ये बातें करते हैं और फिर से लैन चिंचन को उनके नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए तैयार करने लगते हैं और दोनों के बीच एक हॉट सेशन चलता रहता है। अगला दिन होता है विभूषण जो कि वाटर अबाया स्कूल के लिए जा रहा होता है सही टाउन में, तभी बहुत सारे डिसाइपल्स उसके आसपास आ जाते हैं। लवांगजी जो कि क्लाउड ड्रेसेस में ही रह रहा था उसे अब उल्टी जैसा फील होने लगता है। ये मॉर्निंग लवांगजी को बहुत ही अजीब सा लग रहा था, उसे क्लास अटेंड करनी थी बट वो बहुत नर्वस होता है, इवन उसे याद आता है कि उसके पीरियड्स भी स्किप हो गए हैं और आज वो सोचता है कि वो अपनी बॉडी चेकअप के लिए जाएगा, वो भी इम्पीरियल लैंड डॉक्टर के पास। देखते गाइस आगे क्या होगा, लवांगजी जब वहाँ इम्पीरियल डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या कोई अजीब सी खुशखबरी आने वाली है या नहीं, देखते हैं आने वाले टाइम में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और गाइस अगर आपको और स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स दीजिएगा, क्योंकि जब भी बैड रिस्पॉन्स आता है तो फिर मेरा कंटिन्यू करने का मन नहीं करता। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।